आज का ट्यूटोरियल है हमारा फैब मेनू पे, शॉर्टकट है फ्लोटिंग एक्शन बटन। रेगुलर बेसिस पे काफ़ी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ फैब मेनू बटन हमने देखी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम अपना खुद का एक फैब मेन्यू बटन कैसे बनाते हैं। यहाँ एक्सडी में मैंने एक फ़ोटो गैलरी ऐप का डिज़ाइन किया है। क्विक एक्सेस के लिए हम लोग एक फैब मेन्यू बटन बनाएंगे। सिंपल है, एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके हम एक सर्कुलर एलिप्स बना देंगे बॉटम स्क्रीन के। शिफ्ट दबा कर अगर एलिप्स ड्रैग करके बनाओगे तो एक प्रॉपर सर्कल बनेगा। उसके बाद हम इस बटन कलर चेंज कर देंगे। अब बटन प्लेस हो गई है, इसके लिए हमें एक आइकन भी लगेगा। नॉर्मली हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन इमेजेस ऐड करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसका आइकन भी ऐड रहेगा प्लस। सो मैंने एक रेडीमेड आइकन यूज़ कर लिया है। आइकन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जितने चाहे उतने आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना प्लस आइकन ला लिया है, उसको सेंटर में अलाइन कर दिया है प्रॉपरली। मैं दोनों आइकन और जो एलिप्स बनाया था उन दोनों का एक ग्रुप बना दूंगा, ये काफ़ी अच्छा रहता है फाइल मैनेजमेंट के लिए। हमें और दो बटन्स बनानी है, एक कैमरा के लिए और एक फ़ोटो गैलरी के लिए। इसी ग्रुप को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, कंट्रोल डी शॉर्टकट है। एक कैमरा का आइकन मैं यहाँ पे ला लेता हूँ, उसको फिर से सेंटर में अलाइन कर देता हूँ बटन के। और उसका भी एक ग्रुप बना देता हूँ, इसको नाम दे देंगे कैमरा। और एक बार हम एलिप्स का डुप्लीकेट करेंगे। एक नया आइकन लिखाएंगे फोटो गैलरी का। उसको भी हम ग्रुप कर लेंगे। सभी ग्रुप्स का प्रॉपर नाम हम लोग देंगे क्योंकि वो प्रोटोटाइपिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हमारे सारे बटन्स बन चुके हैं, तो हम लोग कैमरा और फोटो गैलरी के बटन को ऐड बटन के पीछे छुपा दे देंगे। ग्रेट, अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए उसके पहले एक काम कर लेंगे कि एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे इस बटन के पीछे, वो वर्क करेगा एज अ ओवरले। क्योंकि जब हम ऐड बटन में क्लिक करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है वो डिम हो जाएगी, उसके लिए हम एक ओवरले बनाएंगे एक रेक्टेंगल की मदद से। तो चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसका कलर हम ले लेंगे एकदम ब्लैक कलर डार्क। अभी के लिए हम लोग उसकी ओपेसिटी ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि इस आर्ट बोर्ड में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस रेक्टेंगल को हम तीनों बटन्स के नीचे रखेंगे। अभी आउटपुट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। उससे पहले हम लोग हमारे गैलरी बटन और कैमरा बटन को पोजीशन सेट कर देंगे साइड बाय साइड, ये देखें ऐसे। ओवरले जो हमने बनाया था उसका ओपेसिटी हम 80% कर देंगे। कनेक्शन करने के पहले हम लोग जो ऐड बटन में हमारा ब्लू कलर था वो एलिप्स अगर हम थोड़ा डार्क कर देंगे, क्लिक होने के बाद में उसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, आपका चॉइस है। उसे सेंटर में जो प्लस बटन था
क्लिक करने के बाद में अभी के लिए हम उसको 45 डिग्रीज में रोटेट कर देंगे, क्रॉस में चेंज हो जाएगा ताकि उसको क्लोज करें। यूजर जब उसको क्लोज करेगा तो ये दोनों आइकन्स उसके अंदर आ जाएंगे। फोटो टाइप करते हैं, अभी कनेक्शन करते हैं, ट्रिगर हमारा टैप रहेगा, टाइप ऑटो एनिमेट रहेगा, डेस्टिनेशन ठीक है, सेकेंड आउटपुट है, ईजिंग हमारा स्नैप रखेंगे, ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड सही है, सेम हम लोग कनेक्शन बैक करेंगे क्रॉस से फर्स्ट आउटपुट में, चेक करते हैं कैसा हुआ है, सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट आउटपुट प्ले, ये देखिए बस 2 मिनट में हम लोगों ने एक फ्लोटिंग एक्शन बता दिया खुद का। प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आइकन बाहर आएंगे, क्रॉस क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे, सिंपल। और बस इतने आसानी से आपने खुद का एक फ्लोटिंग एक्शन बटन Adobe XD में बना दिया है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।